सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को टेक रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर टेक वीडियो। गाइस, मैं दोबारा से आपके लिए टेक की वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं फिर से आज आपसे सिंपली से बात करूंगा कि आप कैसे अपना बैनर बैक साइड में आपके लोगों को बैक साइड में लगा सकते हैं। गाइस, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप अट्रैक्टिव बैनर कैसे बना सकते हैं। गाइस, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके जो न्यू व्यूवर्स होते हैं उनके लिए बैनर बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आप बैनर में देते हैं। जैसे आप अपने चैनल का नाम भी देते हैं, आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो वो भी देते हैं, आप ट्विटर फेसबुक जो भी यूज़ करते हो उसका भी लिंक आप उसमें देते हैं। तो सिंपली से मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने बैनर को कैसे आपके बैक साइड में लगा सकते हैं, और बहुत ही सिंपली से बताऊंगा। आप अगर बैनर बनाना नहीं सीख पाए तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही सिंपली से ये बताया कि आप बैनर अट्रैक्टिव बैनर HD क्वालिटी बैनर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मोबाइल की आपकी स्क्रीन पे आपको लिए चलता हूँ और बहुत ही सिंपल से आपको बताऊंगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे आपको मैं लिए चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको आपके सर्च बटन पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्रोम। क्रोम में जाने के बाद आपको क्रोम में आ जाना है, और उसके सर्च बटन जब आ जाएगा तो उसमें आपको सर्च करना है YouTube.com। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से सर्च किया तो मेरे सर्च बार में उसका लिंक आ चुका, तो इसको आपको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। YouTube ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पास थ्री डॉट दिख रहे होंगे, तो थ्री डॉट में आपको चले जाना है। थ्री डॉट ऊपर वाले थ्री डॉट, नीचे वाले थ्री डॉट में नहीं, ये वाले थ्री डॉट पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप साइट खोल लेना है। डेस्कटॉप साइट ओपन होने के बाद इसको आपको पूरा ओपन हो जा देना है, क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है तो टाइम लेगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने लोगो, जो आपका चैनल का लोगो है राइट हैंड साइड में, इसमें आपको टैप करना है। जैसे कि मैं टैप कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आपके चैनल पर जाना है। योर चैनल लिखा है तो इसमें आपको टैप कर लेना है, तो थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। उसके बाद आपको गाइस सिंपली से क्या करना है कि कस्टमाइज चैनल में जाना है। कस्टमाइज चैनल में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पास आ चुका है चैनल आर्ट। चैनल आर्ट आ चुका है तो इसमें आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, तो इसको ओपन हो जाने दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, तो आप एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसको अलाउ भी कर दीजिएगा। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है, आपने जो बैनर बनाया है जिसको आप लोग आर्ट भी बोलते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ। पिक्चर्स में जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पिक्सल लैब, और मैं आपको दिखाता हूँ ये है मेरा लोगो गाइस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लोगो यहाँ पर सबमिट कर दिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा जिसको आप सबमिट हो जाने दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग मेरा सबमिट हो चुका है, तो इसको थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग होने में, तो इसको अपलोड हो जाने देते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये अपलोड हो गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, टीवी और मोबाइल, ये तीनों बताएगा कि तीनों में आपका लोगो बैनर, जिसको आप लोगो भी बोल सकते हैं, बैनर कैसे दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से राइट हैंड साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सेलेक्ट, तो सेलेक्ट कर दीजिए इसको। सेलेक्ट होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि सेव का ऑप्शन आ चुका है, और ये देखिए सेव हो चुका है। तो ये देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो अगर गाइस आपको आपके चैनल का लोगो भी बदलना है, तो यहाँ पास सिंपली से आपको अपने चैनल के लोगो पर टैप कर देना है। ये जैसे मेरा लोगो है, तो यहाँ पास आपको टैप कर देना है। तो ये देखिए यहाँ लिखा एडिट चैनल आइकन, तो यहाँ पास से आप चैनल आइकन को भी एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली से मैंने इस वीडियो में आपके दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और जो न्यू यूट्यूबर्स उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून हो जाइए आप सबको।